क्या जरूर है महेश केश वाला AKA थकेश। ठंडी का सीजन भाई, कुछ करने का ही मन नहीं हो रहा है आजकल। कभी कभी लगता है भाई उम्र हो गई है क्या, क्या एज क्या है, एज एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर क्या है, नंबर वही है जो सिंगल लॉन्डो तुमको लड़कियां नहीं देती। तो जैसे मैंने बोला एज इज जस्ट अ नंबर, तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है जो अपने को यंग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का व्यक्ति अपने आप को बूढ़ा दिखाने की कोशिश करता है बियर्ड और बालों को व्हाइट कलर करके। यस, ये है मिस्टर राहुल जगताप। बंदे की एज है 46 बट ट्राई करता है 64 दिखने का। भाई को मिलिंद सोमन का सस्ता बूढ़ा वाला वर्जन बनना था, लेकिन वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अरे मोदी जी, तो राहुल भाई के कुछ ऐसे रील्स होते हैं, तो भाई के रील्स में तीन चीजें हमेशा मिलेगी आपको, सफेद बाल, पुराने गाने और आधी उम्र की बंदियां जिनके साथ ये रोमांस करता है। बात जो है उसमें सीने से लग जा तू, समझा है ले लो, ऐ काश के हम होश में अब। चुप कर बे कुत्ते। मेरे को एक चीज नहीं समझती, बूढ़ा दिखने की कोशिश करता है कंटेंट में, हरकतें 16 साल वाले निब्बो की। अरे दादाजी, एक उम्र चूज किया तो उम्र के कैरेक्टर में रहने का ना। मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो, नहीं राहुल भाई को सब करना है। चलो भाई के कंटेंट में थोड़ा डुबकी मारते। जिसने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया ना, उसने भीख मांगी थी तेरे आगे। मैं क्या करूं, कुछ पूछा कुछ भी बकवास डायलॉग मार के ऐसे शर्ट खोल के खड़ा रहेगा, उसको कंटेंट बोलेगा। डायलॉग में बोल रहा है किसी के सामने सर नहीं झुकाया, वो तेरे सामने भीख मांग रहे। किसने बोला सर नहीं झुकाए? हाँ सर, तू ना झुकाए, भीख हमसे मांगे और इल्जाम भी हम पे डाले। इस आदमी ने दिन भर टट्टी नहीं की थी, वो तेरे मुंह पे मुंह दिया। भाई का कुछ मॉडलिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है, लेकिन भाई ये ऐसी क्रीपी वाली ठरकी वाली शक्ल बनाओगे और मॉडलिंग सिखाने का इंस्टीट्यूट बना है? मॉडलिंग नहीं, वो टिकटॉक के जोकर को कंपटीशन देने की क्लासेस खोलनी चाहिए। जिस टाइप के आदमी है ना लाला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। हमें भी नहीं पता। एंड तुम जिस टाइप के आदमी हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो भाई, वो तो पक्का है। अगर तुम अपने बाल और बियर्ड जानबूझ के व्हाइट कलर के करा सकते हो ताकि 60-70 के दिखो, ताकि लोग कमेंट में लिखे ओ माय गॉड एज इज जस्ट अ नंबर, तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। तो उस टाइप के लड़की हो जो सीधा आधी उम्र की लड़कियों के साथ रील बनाते हो, तुम तो सच्ची में कभी भी कुछ भी कर सकते हो भाई। बट एक चीज है जो तुम नहीं कर सकते, ढंग का कॉन्टेंट बनाना। रोस्टर, टॉप 10 रोस्टर्स यू डोंट वांट टू मेस विद। आपको कम बताया जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। हाँ भाई, लॉन्डी यही बोलते हैं जब साइट पे पत्थर तोड़ के आते हैं और मालिक पगार नहीं देता। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। आपको कम बताया जा रहा है, मैं और बहुत बुरा हूँ। हमें कम बताया जा रहा है कि तुम इससे भी बुरा कंटेंट बना सकते हो। बोलते हैं ना भाई, धूप में बाल सफेद नहीं हुए, एक्सपीरियंस से बाल सफेद हुए, बाल सफेद मतलब एक्सपीरियंस। बट ये बंदा तो बाल खुद ही व्हाइट करता है, दिमाग से मतलब वो भी साथ का है। बट हाँ, बात भी सही है, पूरा दिन आधे उम्र के बच्चों के साथ वीडियो बनाएगा तो दिमाग भी बच्चों जैसा ही रह जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? हाथ में हथौड़ा लेके थोर बन के, थोर छोड़ो, छोटा भीम बन के चुटकी के साथ वीडियो बना जा रही है। देखो भाई, हमेशा जरूरी नहीं होता धूप में बाल सफेद हो, और स्मार्टनेस एज के साथ ही आए। अभी से स्मार्ट बनो। तू कोई है? आ गया तू? क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके, वो भी कॉइन DCX से। इंडिया सेफेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप। एक भाई, कॉइन DCX क्लैरिफाई करता है, क्रिप्टो मार्केट वन टाइम मनी मेकिंग प्लान नहीं है। कॉइन DCX एडवाइस करता है अपनी रिसर्च करो खुद से क्रिप्टो पे। हम सुने ये सब बहुत महंगा होता है। महंगा नहीं होता है भाई, मिनिमम 100 रुपया तक भी डिपॉजिट कर सकते हो, एंड एज लो एज 10 रुपीज में भी क्रिप्टो खरीद सकते हो। 10 रुपए? देखो भैया, ये कुछ पता नहीं होता तो डर तो लगता है थोड़ा। पुत्र, इसमें DCX लर्न है जो इनका फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ तू ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी जैसे टॉपिक्स के बारे में सीख सकता है। इसमें रिस्क तो नहीं है ना भाई? कॉइन DCX ऐप पे मल्टीपल इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स है, लाइक 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, विड्रॉवल पासवर्ड, और इसपे यूजर फंड्स कम्प्लीटली सेफ एंड इंश्योर्ड है। और तो और, ये ISO सर्टिफाइड भी है। और इनके 7M मॉडल के साथ कॉइन DCX इंप्रूव करता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मेंटेन्स फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट। और तो और, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी रिस्क होता है उसको रिड्यूस करता है। और तो इंस्टेंटली अपने फंड्स विड्रॉ या डिपॉजिट करता है एनी टाइम 24/7। और तो और 24/7
कस्टमर सपोर्ट भी है। हाँ बबलू, बिल्कुल इलीगल है। ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट ने, इट्स परमिटेड टू बाय होल्ड ट्रेड एंड सेल क्रिप्टो इन इंडिया। ए तुम झूठा अफवाह मत फैलाओ यार। सो यार, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो CoinDCX, साइन अप करो, कंप्लीट योर KYC, अपना बैंक अकाउंट लिंक करो एंड यू आर गुड टू गो, एंड यूज करो कोड Thagesh100 एंड गेट योर सैंपल बिटकॉइन वर्थ ₹100। सो डाउनलोड करो CoinDCX और इन्वेस्ट करो, क्योंकि फ्यूचर यही है। बेचारी वीडियो के थ्रू मदद मांगने का ट्राई कर रही है, भी पास मत आओ अंकल जी, इतने भी पास मत। पापा की उम्र के क्या बच्चों से आज तक भी पास मत आओ। मेन ये नहीं है, मेन दिखने वाली चीज है कैप्शन। सम पीपल स्टार्टेड मेकिंग देयर लिविंग बाय रोस्टिंग माय वीडियोस, दिस वीडियो इज टू हेल्प देम अर्न देयर ब्रेड। थैंक यू भाई, थैंक यू दादा, तू चले बाबा। ये देखो, ये सब ना आपके वीडियोस नहीं दिया हुआ है। देखो ये लोगो, ये प्ले बटन ना, ये लैंप, सब आप ही का तो दिया हुआ है। आप दिखते भी सेंटा क्लॉज जैसे हो, तो गिफ्ट तो देना बनता ही नहीं। बट दादाजी का सी, ये वीडियो में मैं एज का मजाक उड़ा सकता हूँ, बिकॉज इसका एज रियल है नहीं। तो बस आशीर्वाद दो दादा, वर्चुअल आशीर्वाद दो। सुबह पनवेल निकलना है क्या? इतनी घाई में आया, खुला शर्ट रख के वीडियो बनाना चालू कर दिया। अरे शर्ट पहले पहन लो फिर वीडियो बनाओ, चलेगा? ये सब छपरी वाली हरकत और इंस्टीट्यूट मॉडलिंग वाली। लंबे वाले लड़के को देख, ये उसको मारने की ऐसा ये एक्टिंग सिखाते हो बच्चों को? ये उसको ऐसा मार रहा है, ऐसा लग रहा है सैल्यूट कर रहा है, देख रहे हो? देखो। अरे पेरिफोना, मॉडलिंग एजेंसी के नाम पे टिकटॉक का फेम हाउस बन रहा है इधर। ये भाड़े के गुंडे ठीक से गुंडा भी नहीं बन पा रहे। मॉडलिंग एजेंसी तो नाम का है भाई, असल में तो भाई रील्स बनवाना है लॉन्डो से। तो खुद साइड में देख के चल रहा था ऐसे, बाद में उसको पकड़ के उसको लगा शायद ये भी अंधो वाला टिकटॉक बनाता होगा। जाओ जाओ आप भाई, जाओ आप। लगता है मॉल में बर्फ पड़ने वाली है। ऐसा मत करो दादा, आगे देख के चलो, मजा रहा है। बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाती है, लेकिन सीधा देख के चलो। मैं किसी को समझ आ जाऊं, इतनी समझ अभी किसी में नहीं। ये एकदम करेक्ट बात कही आपने, आप किसी को समझ आ जाओ, इतनी समझ पूरे इंडिया में नहीं है किसी को। अगर कोई समझ भी गया ना, तो उसको 2 दिन लगेगा रिकवर होने में कि भाई मैंने क्या समझ लिया। ढूंढते हैं तुमको दर बदर। ए इधर नहीं काका। रे काका घर भीर में घुस रहे हैं। जाने कब कहां मिलोगे हमसे हम सफर। मेरे पीछे मत पड़ो अंकल, मैं तो 25 साल का ही हूँ, आपका टारगेट तो 17-18 साल के लौंडी। दिल बच्चा नहीं, दिल बच्चों के पीछे। दिल को संभालो, दिल गलत राह में जा रहा है। दिल बच्चा के साथ आजू बाजू में बच्चे ही है सब। मतलब अंकल डीप मैसेज देना चाहता है, मैं बूढ़ा हूँ बट दिल बच्चा है, बच्चा तो बच्चों के साथ ही खेलेगा। ये अपने एज का कुछ कर रहे हैं अंकल, कल को डोंट बी सरप्राइज अगर अंकल आपके कॉलेज में भर्ती हो जाए। लौंडियाबाजी के साथ साथ कसाई भी हो क्या? ये हाथ में क्या है, मारने वारने जा रहे हो क्या? अगर लड़की इम्प्रेस नहीं हुई तो प्लान भी रेडी रहना चाहिए। होंडा सिटी देख के नहीं मानी तो ओमनी में तो लेके ही जाएंगे। ये अगर तुमको ऐसा कोई सफेद बाल सफेद दाढ़ी है ना बूढ़ा आदमी चढ़ी जवानी देख के कोई भी देख के ना पलट जाओ प्लीज अंकल को देख के। प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर पीपल। ओके याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। सब ना बुढ़ापे का असर है, बुढ़ापे में ना याद नहीं रहता ज्यादा चीजें, वीजे भूलना वेरी कॉमन इन दिस एज। हम तो वेट कर रहे हैं कब इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल जाओगे। छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती तो रील्स जैसी छोटी चीजें कैसी याद रह जाती है? हाँ रील्स वीडियोस भी तो नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कभी कभी लगता है आपको भी कॉमेडी लीग वालों से इन्विटेशन आ जाएगा खराब जोक्स मारने। गलत गाना गलत एक्सप्रेशन, यहाँ पे ना ये गाना होना चाहिए।
मुंडी मत फटका सीधा अंदर आ। कुछ अलग है मेरा प्यार, कुछ अलग, थोड़ा ज्यादा खास। सच कहूं तो उनको तो शायद मेरी याद तक नहीं आती होगी, और मैं यहाँ रोज बैठकर उनकी किस्से सुनाता हूँ। अगर पोती की उम्र की लड़कियों पे लाइन मार रहे हो तो तुम्हारा प्यार खास ही है। इतना खास है कि तुम्हारे प्यार के बारे में हमको पुलिस को बताना पड़ेगा। एक क्राइम है, क्राइम गुनाह है ये। इतना खास है कि लड़की जब घर पे लेके जाएगी तो उसके घर वाले कंफ्यूज होंगे, जमाई लाया या समधी जी, फुल मिर्जापुर वाइब्स। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? थी कॉलेज में। तो अब क्या, समझदार लोग एक गलती बार बार नहीं करते। दीदी दादाजी की मूछें नहीं दिख रही, को पूछो दादी जी कहाँ है। हाँ ऐसे सवाल पूछते हैं बुजुर्गों से, कहाँ है तुम्हारे संस्कार बेटी। को पूछो पैर पैर दर्द कर रहे है क्या, पैर पैर दबाओ यार, ये गर्लफ्रेंड है क्या। तुम्हें मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं हूं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता नहीं। बहाने मत मारो, बोल दो सीधा सीधा आता नहीं खेलने। ये सब ना शतरंज वाली रील बनाना बहुत इजी होता है, खेलना मुश्किल है। दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। आपका पेज देख के लगता नहीं है कि आता होगा। स्टिक टू लिप सिंकिंग अंकल, ओके वी सपोर्ट यू, ओके एंड वी डू नॉट मीन एनी ऑफेंस टू यू। एंड आप लोग भी कोई भी जाके अंकल जी को हेट मत देना, ओके कमेंट्स वगैरह में। ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब। एंड बजाया तो मेरे को कमेंट्स में बता देना कैसा लगा, ओके। एंड चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मोर देन 159.5% पीपल आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम @Mahesh Keshwar, वहां भी मैं रील्स वगैरह अपलोड करता हूँ। नहीं तो वहां पे फॉलो कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड कॉइन DCX, अभी इसी एज से इन्वेस्टमेंट शुरू करो। जैसा मैंने बोला, 10 रुपए से बिटकॉइन खरीद सकते हो, मैं खरीद के रखो, आगे जाके ये बड़े रिटर्न्स दे सकता है, ओके। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।